हूँ आपके साथ राहुल सौमित्र। खबर लखनऊ से है, ये खबर बड़ी खबर है। शिक्षक भर्ती घोटाले पर जांच को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सीबीआई जांच को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। टीचर भर्ती में हाई कोर्ट ने सीबीआई करा दी है, यानी इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है, इसलिए हाई कोर्ट ने सीधे इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी है। पहली बार सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं। 3 महीने में सीबीआई जांच पूरी होनी चाहिए, यानी 90 दिनों के भीतर सीबीआई को अपनी जांच पूरी कर देनी है। ये नहीं कि ये सरकार निकल गई तब आप जांच कर रहे हैं, टाइम भी दिया है माननीय हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग की बकिया उधेड़ी है जमकर। भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों में डूबा है ये विभाग, ये क्लियर है, ये बहुत कुछ बता रहा है। ये खबर आपके लिए सबक है। जिन पर आरोप थे उन्हीं से जांच कराई गई थी। अब देखिए ये विडंबना देखिए बेसिक शिक्षा विभाग की, कि जिन पर आरोप हैं जांच भी वही करेंगे, तो बहुत स्वाभाविक है वो अपने आप को पाक साफ बचा भी लेंगे। टीचर्स के जो रिक्रूटमेंट में घोटाला हुआ उसकी पिटीशन की हेयरिंग चल रही थी, तो उसमें आज उन्होंने जजमेंट रिजर्व जो पहले किया था उसमें ऑर्डर किया है कि डायरेक्टर सीबीआई को डायरेक्शन देते हुए कि इस पूरे मैटर की पूरे घोटाले का इन्वेस्टिगेशन करें और इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो कोर्ट को सबमिट करें। और कोर्ट ने 26/11 की डेट लगाई, 26/11/18 की डेट लगाई है जिसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी है। इसका मतलब है कि पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई को कोर्ट की निगरानी में करना है। और अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पहली बार सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं और 3 महीने की डेडलाइन दी गई है, क्या खामी थी इसमें? हाई कोर्ट ने क्या खामी पाई कि जांच सीधे सीबीआई को दे दी? जी हाँ बिल्कुल, ये बड़ा सेटबैक है उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए, क्योंकि पहली बार इस सरकार में 68,500 शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया था और बेहद साफ सुथरे तरीके से पारदर्शिता के साथ। अभिषेक आपके पास आ रहे हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका भारत समाचार में बहुत स्वागत है। बेसिक शिक्षा विभाग में हो क्या रहा है? भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों का विभाग इसे कह सकते हैं। हाई कोर्ट ने सीधे सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, यानी छात्रों को दौड़ाया ही जाता रहेगा क्या? इस सरकार में भर्ती हुए, उस सरकार में ये गड़बड़ झाला आया, ये कमी आ गई, भ्रष्टाचार में डूबे हैं, इसमें अभ्यर्थियों का क्या दोष है? सुनील जी देखिए, ये सरकार की मंशा ही ठीक नहीं है। 68,500 नौजवानों की जो भर्ती थी उसमें इतना घपला हुआ, इतना भ्रष्टाचार हुआ कि विपक्ष लगातार आवाज उठाता रहा, लेकिन सरकार ने कहा नहीं, हम तो राम राज्य वाले लोग हैं, पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार है और इसको शायद यही मान करके हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक भी भर्ती का कोई भी परीक्षा ऐसी होगी सरकार नहीं करा पाई जहां पर्चा लीक ना हो गया हो, तो इन लोगों का जो असली चेहरा है मुझको लगता है सीबीआई जांच के बाद देश के सामने आएगा। लेकिन उसके पहले तो वो डबल बेंच में जाने की तैयारी में है। मैं कह रहा हूं कि कहीं चले जाएं, लेकिन न्याय होगा और जिस तरीके से धांधली हुई है इस भर्ती में या भ्रष्टाचार हुआ है उसको योगी सरकार बचा नहीं पाएगी। बहुत दलीलें दे रही थी योगी सरकार हाईकोर्ट के सामने, लेकिन हाईकोर्ट ने नहीं सुना, डबल बेंच भी नहीं सुनेगा। अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तब भी इनको सजा मिलेगी, इनका असली चेहरा जनता के सामने आएगा। अच्छा सुनील जी, जिन पर आरोप था उन्हीं से जांच कराई गई, मतलब ये किसको बेवकूफ बना रहे थे ये लोग? नहीं, हमको, आपको, सबको, देश को, इन लोगों को लगता है कि ये बहुत समझदार लोग हैं। भगवा कपड़ा पहन लेने से इनको लगता है कि इनकी चोरी छिप जाएगी। लोग आस्था से चोरी, इनका भ्रष्टाचार, इनकी दलाली और इनके सारे कुकर्मों को लोग भूल जाएंगे। ऐसा नहीं है, न्याय है और मुझे उम्मीद है जिस तरीके से हाई कोर्ट ने सीबीआई के लिए कहा है, सीबीआई जांच होने के बाद 3 महीने के अंदर इनके असली चेहरे सामने आएंगे, असली चेहरे सामने आएंगे। अंशु अवस्थी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अंशु जी, आपका भारत समाचार में बहुत स्वागत है। सुनील सिंह साजन भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है कि गड़बड़ी है, खामी है, न्याय मिलेगा और कहीं भी जाए इन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग की निसंदेह बखिया उधेड़ दी है। भ्रष्टाचार कितनी गड़बड़ी थी वो सबके सामने आ चुका है। देखिए दो चीजें बिल्कुल सामने स्पष्ट हैं। 27 मई को जब ये एग्जाम हुआ था उसके बाद जब इसके परिणाम आते हैं और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई, सरकार ने पूरी कोशिश की इस पर चादर डालने की, कंबर डालने की भ्रष्टाचार पे। जांच के नाम पर उन्हीं लोगों को कमेटी में रखा गया जो स्वयं दोषी थे, ठीक है, बचाने में पूरी ताकत लगा दी। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात, हाईकोर्ट ने जब सरकार से पूछा था क्या सीबीआई जांच की जरूरत है, सरकार ने पूरी तरीके से सीबीआई जांच का विरोध किया। ये सबसे आवश्यक है क्योंकि बराबर सरकार बीजेपी भ्रष्टाचार के साथ खड़ी है, ये साबित होता है। अभी भी ये सिंगल बेंच के फैसले को, सीबीआई का जो निर्णय है उसको ये डबल बेंच में चुनौती देने जा रहे हैं, यानी अभी भी ये भ्रष्टाचार को ताल सीना ठोक के भ्रष्टाचार करने की बात कर रहे हैं और जले पर नमक छिड़कने की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों। सुनील जी, सीना ठोक कर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं के पेपर ने ये सीधे कहा है। नहीं, ठीक बात है कि सीना ठोक के, इसलिए चोरी की चोरी ऊपर से छीना चोरी, ये कहावत योगी सरकार पर लागू होती है। एक तो नौजवानों के पिच के साथ खिलवाड़, भ्रष्टाचार, पैसा लेना, मनमानी तरीके से अपने लोगों को भर्ती कराना, और अगर सीबीआई जांच हो जाए, मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या दिक्कत है सीबीआई जांच में? अगर उनका दामन साफ है, उनके मन में चुप नहीं है, या भ्रष्टाचार उनकी सरकार में नहीं हुआ, इस भर्ती में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, वो तो बड़ी पारदर्शिता की बात करते हैं योगी जी। तो हो सकता है सुनील जी वो 68,500 अभ्यर्थियों के लिए चिंतित हो? कौन नहीं, अरे ये अगर उनके लिए चिंतित होते तो ये स्थिति नहीं आती। हाई कोर्ट को नहीं कहना पड़ता कि आप सीबीआई जांच करा लीजिए, ये क्योंकि अपने लूट को छिपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, क्योंकि योगी जी लगातार कंपटीशन करते हैं मोदी साहब से। अब मोदी साहब ने राफेल में इतना बड़ा हाथ मारा है तो मोदी साहब योगी जी कैसे पीछे रह जाएंगे? अच्छा सुनील जी, हम दूसरे प्रदेश के जो लोग हैं वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले लिखित परीक्षा होती है, फिर उसके बाद साक्षात्कार होता है, फिर हाई कोर्ट चले जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, उसके बाद जब आप 42 से 45 साल के होते हैं तो नौकरी मिल जाती है। तो ये कब तक मजाक होता रहेगा परीक्षा के नाम पर? आपने बिल्कुल सही सवाल किया, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बोलते थे और आज इनका चेहरा किस तरीके से सामने आया है। मैं तो कह रहा हूँ योगी जी पारदर्शिता की बात बहुत करते हैं, अब उनकी पारदर्शिता कहाँ चली गई जब हाई कोर्ट कह रहा है कि सीबीआई जांच करा लीजिए, क्यों उनकी सरकार जा रही डबल बेंच पे? और ये मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, डबल बेंच चले जाएं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, इनका असली चेहरा सामने आ गया है और न्याय भी मिलेगा इन 68,000 नौजवानों को। तो सुनील सिंह साजन जी और अंशु अवस्थी जी, हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन वो 6 कारण जान लेते हैं। आरोप नंबर 1, अफसर और जांच एजेंसी भ्रष्ट है जो हाई कोर्ट ने कारण गिनाए हैं, जांच में योग्य लेकिन नौकरी नहीं दी गई। नंबर 3, आरोपियों को ही जांच का जिम्मा दे दिया गया, ये अहम पॉइंट है जो हाई कोर्ट ने गिनाए हैं, सरकारी सेवा में सियासी विचार कैसे है। नंबर 5 आ जाइए, भ्रष्टाचार पकड़ा तो कॉपियां फाड़ दी, अब इसके बाद सीबीआई जांच ना कराएं तो क्या कराएं, परीक्षा एजेंसी पर FIR क्यों नहीं हुई है, ये 6 कारण हैं। हरीश जी, मैं इसका जवाब आपसे चाहूंगा, अफसर और जांच भ्रष्ट है ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत समाचार नहीं कह रहा है, ये हाई कोर्ट कह रहा है सीबीआई जांच के मामले में कि सीबीआई जांच क्यों कराई जाए, आप तो डबल बेंच में चले गए हैं। देखिए माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। कहां सम्मान कर रहे हैं आप? और जैसा भी न्यायालय का जो भी डायरेक्शन होगा, जो भी दिशा निर्देश होगा। हरी जी, मेरे बोलने से पहले अंशु जी ने बोल दिया, वो कह रहे कहां सम्मान कर रहे हैं आप। ठीक है, अंशु जी जिनके साथ खड़े थे, हाँ। और उनकी तो निकल नहीं ना कि STF जांच कर रही है फर्जी, या हम नौजवानों के साथ खड़े हैं लेकर के। हमारा आपसे अनुरोध है, जब हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का अनुरोध किया है, आदेश दिया है, तो आप तो जांच के खिलाफ क्यों जा रहे हैं डबल बेंच में? खड़े थे जो नियुक्तियों में फर्जी, हम खड़े हैं नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, उन लोगों का वो पर्दाफाश हो गया है। हरीश जी, तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि जब हाई कोर्ट ने इतने कारण बताए हैं
तो आप डबल बेंच में क्यों जा रहे हैं ये बता दीजिए ना तमाम लोगों को, अंशु जी भी चुप हो जाएंगे। देखिए मैंने आपको एक बात कही, इनके भ्रष्टाचारी बात हरीश जी, इनके भ्रष्टाचारी उनको तो सजा मिल गई ना हरीश जी, सुनिए मेरी बात, उनको सजा मिल गई, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि क्यों डबल बेंच में जा रहे हैं जब हाई कोर्ट ने 6 कारण गिनाए हैं। तो कोई तकनीकी कारण होंगे जिसके लेके सरकार जा रही होगी, लेकिन जो भी माननीय न्यायालय का दिशा निर्देश, सुनील साजन जी तकनीकी कारण है इसलिए हाई कोर्ट जा रहे हैं, डबल बेंच में जा रहे हैं। केवल एक चीज कहूंगा कि हरीश जी बहुत अच्छे इंसान है, भले इंसान है, अब इनकी मजबूरी है प्रवक्ता के नाते ये योगी सरकार के भ्रष्टाचार को बचाने को और छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो हरीश जी से कहूंगा क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिए आप कि वो पारदर्शिता की बात करते हैं, कौन सी पारदर्शिता है जब हाई कोर्ट ने कह दिया आप डबल बेंच में क्यों जा रहे हैं। ये जो भ्रष्टाचार चरम पे पहुंचा है, ओम प्रकाश राजभर सही कहते हैं कि उनकी सरकार में 10 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार है, तो हम तो नहीं सोचते। जवाब दीजिए हरीश जी, योगी जी को लेकर के तो बड़ी सवालों का जवाब देना चाहिए देश में और प्रदेश में हुई थी। अब योगी जी भगवा कपड़ा पहन कर अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार करेंगे को, तो उसको लगता है जड़ पूर्वे से भी लोगों की आस्था कम होगी। जितने भी भ्रष्टाचार के मामले सब पे कार्रवाई हो रही है। अरे कहाँ आप तो डबल बेंच में क्यों जा रहे हैं, वर्तमान सरकार ने कह दिया, माननीय न्यायालय ने कह दिया कि जो दोषी है वही जांच कैसे करेंगे, जो लोग योग्य थे उनको नौकरी। चलिए समय की कमी है इसलिए हरीश जी आपको भी रोक रहे हैं, अंशु अवस्थी जी आपको और सुनील सिंह साजन आपको भी रोक रहे हैं, लेकिन आप तीनों ने राय रखी इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।